बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे फ्रॉम पीआईपीटी आई एम हियर टू प्रेजेंट यू एन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एचआर, दैट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर एप्लीकेंट्स एंड सीवी मेकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आप जानते हैं कि ये आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से। इससे पहले मैं जस्ट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। माय नेम इज नवीद अनवर, आई एम एमएससी एंड एमबीए। ब्रीफ वर्क हिस्ट्री मेरे, मैंने एज ए ट्रेनर एचआर, सिक्स सिग्मा लीडरशिप एंड सो मेनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, मैं पीआईपीडी, टीडीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी में ये सारी ट्रेनिंग्स आती है। इसके साथ साथ पीजीआई पैरागॉन ग्लोबल इंटर्नशिप कंपनी माल्टा, जो कि यूरोपियन का मार्केट में काम करता रहा, वो भी थोड़ा सा ऑनलाइन काम किया है। और इसके साथ साथ मेन जिसमें हेड ऑफ एचआर एंड ओडी एंड ट्रेनिंग मैनेजर सेफ्रॉन फार्मा में, और इसके साथ मेन फाइजर 29 ईयर्स मैंने स्पेंड की। तो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ट्रेनर्स विद मैनी इंटरनेशनल ट्रेनर्स लाइक कैन ब्लेंचर्ड। कैन ब्लेंचर्ड के साथ मैंने सिचुएशन एंड लीडरशिप का प्रोग्राम किया। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब पीएपीडी की तरफ से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे ये टॉपिक्स कर चुके हैं। ये हमारा 11th 12th चैप्टर है, ऑलमोस्ट वी आर ऑन फिनिशिंग। तो ये अब तक जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जिसमें हम सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा हो गया। उसके बाद एचआरओडी, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और ये कुछ चीज़ें जिसमें कंप्लीट फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टाइम शीट मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो पे रोल, आगे प्रिपेयरिंग एंड एनालिसिस, फिर कुछ बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, उसमें मेनली ईओबीआई, पैसी एंड एजुकेशन सेस, इसी तरह सेससी है, ग्रेजुटी एंड प्रोविडेंट फंड है, एक्सग्रेशिया मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और दूसरे कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जैसे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, ये भी पेशेंट बेनिफिट्स होते हैं और सर्विस एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर द एचआर को। अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो फिर आगे अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे बेनिफिट्स नहीं दिलवा सकता। इसके साथ साथ फिर कुछ ऐसे ये इंटरनल मतलब जो लवाजमात होते हैं, जिसमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, लेटर्स इश्यूएंस है, इसी तरह आंसरिंग द एम्प्लॉय क्वेरीज है। तो ये सारा एचआर का रोल होता है, दैट वी हैव स्टडीड। देन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डेटा सिक्योरिटी, पेरोल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस है, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं और इसे लर्न कर चुके हैं, एचआर लीडरशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आगे इसको वो टॉपिक्स हैं जो कि बियॉन्ड द सिस्टम, जो कि हमारे रूटीन एक्टिविटीज हैं। तो ये चीज़ें डिवेलप कर होनी चाहिए एक एचआर में। इसी तरह एचआर ऑडिट है, बिजनेस एचआर बिजनेस पार्टनर, ये भी हम कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा एटीएस एंड एंड सीवी मेकिंग फॉर एप्लीकेंट्स। तो विद दिस, और हमारा तकरीबन ये इसके बाद लास्ट सेशन होगा जो कि हम इसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एटीएस एंड सीवी मेकिंग फॉर द जॉब। टॉपिक्स जो हम एटीएस में करेंगे उसमें व्हाट इज एटीएस, एटीएस होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके, हाउ टू चूज एन एटीएस एंड बेस्ट एटीएस इन द मार्केट। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एटीएस। तो ये एन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस, दैट इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू मैनेज योर हायरिंग प्रोसेस एंड कीप कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म। तो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में रहती है, और ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है जो हायरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इट्स ऑटोमेटेड सिस्टम, बहुत से सिस्टम मतलब यहाँ पर है, जितना अच्छा सिस्टम होगा उसमें उतनी ऑटोमेशन और उसमें एक्यूरेसी और कन्वीनियंस होगी फॉर बोथ एप्लीकेंट्स एंड कंपनीज।
बेनिफिट्स जैसे कि बात की, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो एक तो ऑटोमेशन है, एटीएस कैन ऑटोमेट मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो ये डायरेक्टली आपको हर चीज को खुद से करने की जरूरत नहीं है। एचआरस आर नाउ रिलैक्स्ड, दे कैन रिलाय ऑन द एटीएस सिस्टम्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग योर हायरिंग। जो भी आपका हायरिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होता रहता है। इम्प्रूव द कैंडिडेट एक्सपीरियंस, और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी इससे बड़ा अच्छा होता है, और वो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स ये होती है। जनरेट रिक्रूटमेंट रिपोर्ट्स इवन इजीली कर देते हैं, और हेल्प यू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो जहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी इसमें फुलफिल हो जाती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स, एंड बियॉन्ड दैट देर आर नॉट मैनी बेनिफिट्स। आप टाइम सेविंग है, आपका मैनेजमेंट एक एक्यूरेसी आ जाती है, और उसके साथ साथ किसी किस्म की कंप्लायंस वगैरह को भी इसको साथ मद्देनजर रखें। तो ऑल दीज थिंग्स आर डेटा सेविंग और डेटा रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर। तो किस तरह एक अच्छा एटीएस चूज करना चाहिए? तो वी शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। बिजनेस गोल्स हमारे क्या है, पेन पॉइंट्स, मतलब कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, नीड्स विच आर देयर द प्रीवियस सिस्टम, आइदर हमारा जो प्रीवियस सिस्टम हमारा मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। तो उसमें जो प्रॉब्लम है, आगे हमें उसे इस हिसाब से उनकी नीड्स के मुताबिक सिस्टम को हायर कर दे। एंड कंपेयर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, यूजेबिलिटी, इंटीग्रेशंस, सपोर्ट एंड प्राइसिंग। प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लेकिन उससे पहले बाकी चीजों को देखा जाता है कि व्हाट आर दिस। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही होती है, और फिर आपकी एक्यूरेसी एंड टाइमली मैनेजमेंट है। बहुत से एटीएस सिस्टम अवेलेबल है इन द मार्केट, फ्यू आर देयर। तो वर्केबल, ग्रीन हाउस है, लेवर है, टीम ट्रेलर है, जॉब वाइट है, ICIMS है, टेलियो है, इसी तरह बहुत से, और इवन जैज है, चार वगैरह, ये बड़े अच्छे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। अब एटीएस के बाद हम सीवी मेकिंग पर आ जाते हैं। तो सीवी मेकिंग में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट एंड रिसर्च है, क्राफ्टिंग योर सीवी, किस तरह क्राफ्ट करना है, टेलरिंग योर सीवी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन, सबमिशन कैसे करनी है, और एंड फॉलो अप उसका कैसे करना और जरूरी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इंटरव्यू एग्जीक्यूशन है। तो प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन के बाद पोस्ट इंटरव्यू फॉलो अप की जरूरत होती है। तो दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। सबसे पहले हम सेल्फ असेसमेंट एंड रिसर्च देखते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द सिस्टम, तो ये जो है ना, ये हमारा ये सारा आएगा। तो आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ सबसे पहले करनी है कि व्हाट आर योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स, उसके मुताबिक फिर आपने अपना सीवी बनाना है। अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट, अब जॉब मार्केट क्या है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करके हमने अपना सीवी को प्रिपेयर करना है। इसे कस्टमाइज सीवी भी बना सकते हैं, और एक फिक्स सीवी फॉर ऑल द जॉब्स भी बनाई जा सकती है। अब क्राफ्टिंग द सीवी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक सीवी जब ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा अवेलेबल होता है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सीवी बना सकते हैं। तो ये जब अवेलेबल होते हैं तो वी कैन इजीली मेक द सीवी। तो ये हमारे पास सिस्टम जो इस वक्त अवेलेबल, सबसे पहले फॉर्मेट को चूज करना होता है, जो ऑटोमेटेड फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इसी तरह कॉन्टैक्ट, बाकी चीजें उसमें आ जाती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव आपने डालना है, वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, स्किल्स, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग है, अचीवमेंट्स एंड रेफरेंसेस। हर एक के अलग अलग फॉर्मेट के मुताबिक ना उनकी स्पेसेस दी होती हैं, और उसमें आप इसे इजीली बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के मुताबिक। सबसे पहले आपने बस सिर्फ एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको गाइडलाइंस मिलती रहे। तो ये एक सिस्टम आप देख सकते हैं कि वेबसाइट से यहाँ पर सिस्टम के डिफरेंट वर्ड, इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक बिग प्रीव्यू आ जाएगा, उसके मुताबिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो तीन
कुछ ऐसे सिस्टम मैंने रखे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं सेम सीवी लेकिन उसमें डिफरेंट फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है जब आप सिस्टम आप अपना फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टेलरिंग द सीवी कस्टमाइज योर फॉर ईच जॉब, ये भी हो सकता है, या हाईलाइट द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइदर यू गो फॉर द कस्टमाइज जॉब सीवीज या आप एक ही सीवी बना सकते हैं, तो इसमें किया जा सकता है। देन हाईलाइट द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, उसमें ये दो चीजें एक्सपीरियंस और सीवी इसको देखते हुए, तो ये यू कैन टेलर योर सीवी अकॉर्डिंग टू योर जॉब एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस हर कंपनी का हर उसका डिफरेंट होता है, तो उसमें बाजू का तो सबसे पहले तो ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स है, तो उसके मुताबिक हम जाएंगे, जैसे कि सर्च जॉब प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, और बहुत से इसी तरह वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी वेबसाइट से भी उनके अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, और ये नेटवर्किंग के थ्रू, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ से आप इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन, कवर लेटर है, कवर लेटर आप जॉब हर जॉब के मुताबिक सेपरेट कवर लेटर बनता है, तो उसके मुताबिक आप सो दैट यू कैन फिट टू जॉब। एप्लीकेशन फॉर्म है, देन अटैचमेंट्स है, तो ये सारा कुछ फिट करके आप अपना बेहतरीन सीवी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद उसे सबमिट करना है। बिफोर सबमिशन ये डबल चेक करना है, एक दफा रिव्यू करके फिर सबमिट कर देना, सबमिट डेडलाइन को जरूर मद्देनजर। देन इज द फॉलो अप, इसमें सबसे पहले आपकी कंफर्मेशन होती है, एंड वेट पीरियड के मुताबिक इसकी कंफर्मेशन। यूजुअली कंपनीज जो है या वेबसाइट्स हैं वो कुछ टाइम लेती हैं, और उसके बाद कंफर्मेशन भी आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट बॉदर फॉर, या बहुत सारे एप्लीकेशन सिस्टम जो है वहां पर ये कंफर्मेशन नहीं आती। एनी वे व्हाट्स द प्रोसेस, तो बेहतर ये था कि ये होनी चाहिए, तो इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंफर्मेशन आ जाती है या आनी चाहिए, तो अच्छी साइट्स वही होती हैं जो कंफर्म भी कर देती है। देन जब आप एक दफा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो फिर इंटरव्यू के लिए आप तैयारी शुरू कर, इसमें रिसर्च ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यूज, प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है वो उसको जरूर देखना चाहिए कि आगे कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या चेंज आ रही है उसकी, और क्या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी, से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आप बना लें कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो बनाकर उसके आंसर्स भी प्रिपेयर कर लें। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने इंटरव्यूअर से करने हैं फॉर सम क्लैरिटी और ये जॉब रोल, तो वो भी आप सोच कर रखिए, तो ये सारे प्लान चीजें हैं, तो इससे इंटरव्यू ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी ये अच्छी होनी चाहिए। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू आपको ये पूरा आपकी जॉब नेचर क्या है उसके मुताबिक आप प्रोफेशनली प्रिपेयर होकर जाएं। तो ड्रेसिंग के फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपके बिहेवियर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम है, तो टाइमली अगर आप वहां पर पहुंचे हैं तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। बॉडी लैंग्वेज आपकी, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है ना इंटरव्यू एग्जीक्यूशन के लिए आपको प्रिपेयर करनी है, रिहर्स देम दीज थिंग्स सो दैट यू कैन अटेम्प्ट, और वेल प्लान करके इसे सारी चीजों को तो इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। पोस्ट इंटरव्यू थैंक्स अदा करना चाहिए जब भी आप जाएं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू दिस प्रेजेंटेशन, तो एंड प्रेज एंड बेस्ट विशेज फॉर योर कैरियर ग्रोथ, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। तो आई एम श्योर कि ये जो आपके ये सारा भी प्रेजेंटेशन वगैरह दी हुई है, ये दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू, तो आप इसका यकीनन फायदा भी उठाएंगे।